रायपुर से बता दें, शहीदों के परिजनों को छत्तीसगढ़ सरकार की सौगात, परिजनों को मिलने वाली जो राशि है उसको बढ़ा दिया गया है, 3 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, तो नक्सली हिंसा में मारे गए जवानों को मिलने वाली राशि में इजाफा किया गया है, 3 लाख से बढ़ाकर इसको 20 लाख रुपए कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, नक्सली हिंसा में मारे गए शहीद के परिजनों को ये सौगात। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी रूपेश गुप्ता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रूपेश, किस तरह से इस पूरे छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले को देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राहत और मरहम पहुंचाने की कोशिश की गई है भूपेश बघेल सरकार की तरफ से? देखिए, अब तक ये बड़ी समस्या थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बैठक हुई थी सेंट्रल को इस पर पहल किया था और सेंट्रल को उसके हिसाब से प्रस्ताव बनाकर भेजना पड़ा, जिसके बाद राज्य सरकार ने यह फैसला किया है। मुख्य रूप से जो अनुग्रह राशि होती थी, अनुदान जो होता था, वो 3 लाख रुपए होता था, लेकिन अब ये 20 लाख रुपए है। तो राहत की बात है, क्योंकि जो सीआरपीएफ के जवान नक्सली मोर्चे पर तैनात हैं, तो सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ जब भी इस तरह की बैठक होती है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद जानकारी दी थी, जिसमें बताया था उन्होंने कि उनसे रिलेटेड तमाम मसलों को वो उठाते रहे हैं, जिसमें से एक मसला ये भी था कि उनको राशि काफी कम मिलती है जो जवान शहीद होते हैं। तो स्टेट की पहल पर सेंट्रल ने अपनी सहमति दी और उसके बाद राज्य सरकार ने यह ऐलान किया है। तो ये एक बड़ी राहत है उन जवानों के लिए जो नक्सली मोर्चे पर तैनात रहते हैं, क्योंकि ये राशि इतनी कम होती थी उनके शहीद होने के बाद कि परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, ये बड़ी चिंता होती थी। तो अब थोड़ी सी राहत, हालांकि जो नुकसान होता है, जो कैजुअलिटी होती है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन कम से कम सम्मानजनक राशि शहादत के बदले अब उनके परिजनों को मिला करें। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो चर्चा कमलनाथ की अग्नि परीक्षा को लेकर हम लगातार